अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अदर गोड फार्म्स एंड फॉरेस्ट्री की जानिब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट PPR वैक्सीनेशन की जा रही है। तो ये प्रेग्नेंट उसको भी लगाई जाती है, हालांकि प्रेग्नेंट को कम से कम वैक्सीन लगाते हैं, लेकिन PPR ऐसी वैक्सीन है जो प्रेग्नेंट जानवरों को भी लगाई जाती है। माशाल्लाह, सही है। डॉक्टर साहब हो गई? हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम सर? सर इमरान अली। इमरान अली साहब, आप थोड़ा सा ये बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वैक्सीनेशन हो गई है जानवरों की, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो ये कहना चाहूँगा, एक तो बहुत ही हमारे जो हबीबुल्ला साहब जमाली साहब हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है कि पूरे घर घर जाके ये वैक्सीन कर रहे हैं, अपने उनके कन्वेंस के ऊपर भी जाते हैं ये, और मैंने खुद यूट्यूब पर इनका देखा, खुद विजिट करते हैं, तो ये बहुत अच्छा इन्होंने प्रोग्राम शुरू करा है। और आवाम से मेरी अपील है कि इनसे ताबून करें भाई से, ठीक है? तो ये जितने भी इनके जानवर इनको वैक्सीन करवाएं, अगर आप अपने क्या कहते हैं कन्वेंस भी लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी पड़ता है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बड़ा बेहतरीन काम हो रहा है, हम तो इसको अप्रिशिएट करते हैं। सही है। अच्छा, हमारे ऑनरेबल लाइफ स्टॉक मिनिस्टर अब्दुल बारी खान प्रतापी, जिन्होंने सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया था, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो बहुत शुक्रिया है, दिल से हमारी दुआ निकलती है कि हमारे गए इतने कीमती जानवर है, जो भी है अल्लाह खैर करेगा, बाकी इनकी है अगर मानियत भी लगा 40-50 हज़ार का तो ये है, वो घर आके हमारे को ये वैक्सीन लगवा के दे रहे हैं। और आप अगर खाली वैक्सीन PPR की खरीदने जाएंगे तो आपको कम से कम भी 50 जानवरों का डोज मिलता है, वो भी एक नॉर्मल सी क्वालिटी का, ये हमने आपको तुर्की की लगा के दी जो कम से कम 2,500 रुपये की है, कम से कम 2,500 और डिस्टिल्ड वाटर 100 रुपये का, तो तकरीबन 2,600 रुपये की आप 3 जानवरों के लेके खरीद के क्या करेंगे, एक बात है। और दूसरा फिर ये, अगर आप कहीं लेके जाते हैं रक्षों में डाल के डॉक्टर हायर करते हैं तो आप 1,000-1,500 का वैसे ही पड़ जाता है, फिर दवाई अगर लेके रखते हैं उस दवाई को संभालना भी बड़ा मसला। तो मकसद आप जो बेचारा जानवर पाल रहा है वो मकसद है कि इतना सारा खर्च करे तो जानवर कहाँ जाके पहुँचेगा उसको, ऐसी बात है। तो फिर बहुत ये वो चीज़ें होती हैं, बंदे का दिल भी टूटता है, आवाम को इतना इस बारे में मालूम है नहीं, बकरा खान सारा पता कुछ है नहीं, लोग घबराए जाते हैं, डॉक्टर आता है कोई हायर करते हैं, यूट्यूब पर हमने नंबर देखे तो हमसे 1,000 ले लिया, 800 ले लिया, और हमें ये भी नहीं पता कि दवाइयाँ एक नंबर है या दो नंबर है, ये तो ये डायरेक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी कि ओरिजिनल दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट घर घर प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये आप थोड़ा सा बताएं कि इसका नाम क्या है? इसका नाम मैंने प्यार से बल्लू रखा है, और वो जो है मेरी बीगू है, वो जो बीगो 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 बीगू कहते हैं उसको प्यार से, और ये हमारे बल्लू साहब हैं। और वो पीछे जो दोस्त किया उसका नाम क्या? ये उसका मैंने रखा है चंपा गली नाम रखा है इसका, चंपा गली। अच्छा अच्छा, तो अच्छा थोड़ा सा व्यूअर्स को आप ये बताएं कि नॉलेज के लिए कि आप बताते खुद काम क्या करते हैं और ये आपने जो शौक रखा है थोड़ा सा। ये शौक तो मुझे तकरीबन मेरे एक दोस्त है पंजाब में ना, आसिफ गुज्जर साहब, उनके नस्बत से मेरे को शौक चढ़ा था, बाकी मेरा जो बेसिक काम है नेट के काम है, ठीक है, जिना के बाकी है कि शौक भी है, और ये तो आप यकीन जाने के अल्लाह के नबी ने भी इनसे मोहब्बत रखी उसके नस्बत से हमें। अच्छा, इनका रिस्क आपको अल्लाह पाक पहुँचा देता है ना? जी जी बिल्कुल, ये तो अल्लाह पाक ने हर इंसान का रिस्क बांधा हुआ है, और इनके लिए तो हमारे दिल में बहुत जगह है, हम तो अपनी जेब का भी होता मसला हम काट के खिला देते हैं इनको, अपना पेट खिला के खिला देते हैं। अच्छा, ये माशाल्लाह से है तो नर आंडू बकरा, लेकिन ये बदबू नहीं मार रहा, इसकी क्या इसकी वजह ये है कि ये ज़्यादा इसको मैं थोड़ा सा बांध के रखता हूँ, तो जिस वजह से ये ज़्यादा अपना वगैरह नहीं पी पाता। अच्छा, उसके अलावा आप उसको सरसों का तेल भी दीजिए तो उससे भी ये नहीं करेगा इंशाल्लाह, वो सरसों का तेल। पेशाब तो नहीं पीता है माशाल्लाह, इसकी आदत अच्छी है, पेशाब नहीं पीता नहीं, मैंने इसको बड़े प्यार मोहब्बत से रखा है जानवर को, ठीक है ना, और ये सफाई वगैरह। इमरान अली भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और उम्मीद करता हूँ कि लोगों को हमारी ये क्लिप अच्छी लगेगी और जो है वो उनके लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। अल्लाह पाक आपके तमाम जानवरों को और इस जहान में जो भी इस सुनर शौक को रख रहे हैं उनके तमाम जानवरों को बीमारी बलाओं से दूर रखें। इंशाल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।